हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कनव गुप्ता और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट सेकंड हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपको पता है आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि JKSSB कंडक्ट करवाएगा एग्ज़ाम। UPSC, JKPSC और SSC सभी इस जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है उदय कैसे हुआ या स्टार्ट कैसे हुए, वो उससे पहले कौन से गोल्स थे। MDGs थे, वो टोटल 8 थे, तो SDGs कितने में 17, यानी ये 8 को ही इन्होंने और एक्सपैंड करके 17 गोल्स बनाए। ठीक है, उसके बाद थॉरली पूरे हमने गोल्स भी पढ़े थे, जैसे पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा हंगर है यानी नो हंगर, तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका हेल्थ। ठीक है, चौथे की बात करें दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन, वैसे ही 13th की बात करें क्लाइमेट एक्शन है, 14th की बात करें लाइफ बिलो वाटर है, 17th की बात करें तो वो है पार्टनरशिप अमंग, जो ग्लोबल पार्टनरशिप एक बननी चाहिए। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हमने तरीके भी जो है देखे थे कैसे इनको याद कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया था। तो आज के जो लेक्चर में हम कवर करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं ये सारे के सारे जो गोल्स हैं आपके 17 उनको अचीव करने के लिए। ओके, अगर आपने काफ़ी बार स्कीम्स के नाम सुने होंगे तो वो डायरेक्टली इन्हीं से रिलेटेड हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग ने एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड, उसने SDGs के ही बेसिस पे अपना एक जो है गोल्स बनाए हैं, और वो गोल्स क्या हैं और वो काम क्या करते हैं, वो एक्चुअल में जो है क्या करते हैं, कंपटीशन जो है जनरेट करते हैं विद इन या अमंग द स्टेट्स। ठीक है, जैसे क्या होगा, एक स्टेट को उसमें रैंकिंग दी जाएगी, दूसरी स्टेट को कुछ और रैंकिंग दी जाएगी, ताकि एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हो अमंग द स्टेट्स और हम अल्टीमेटली क्या करें, अचीव करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन्हीं के थ्रू, उसके बारे में बात करेंगे। देन कुछ करंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप्स टेकन बाय इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट। तो अगर हम पहले SDGs की बात करें, यानी नो पॉवर्टी, ओके, ये पॉवर्टी है, स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे टी लगा लो। नो पॉवर्टी में क्या बोला गया है कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया, द गवर्नमेंट इज़ डीलिंग विद द सेम विद टू मेथड्स। यानी जो पॉवर्टी है, गरीबी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है इंडिया में। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, आपको पता होगा गरीबी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो ये चैलेंज बड़ा है, उस वजह से क्या होता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट इसको दो तरीके से डील करती है। ठीक है, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ करके, या प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, यानी लोगों को कैपेबल बनाती है, वो उनके जेबे में पैसा डालती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, उनको जो है क्या करेगी, राशन पानी देगी, ताकि वो जो है एक स्टेबिलिटी से लाइफ जी सकें। तो उसके बाद दूसरी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो है ये स्कीम्स चलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की। जैसे हम बात करें पहली नरेगा, जो कि 2006 में आई थी। नरेगा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ये 2006 में आया था। इसके बाद इसी का नाम चेंज करके इसको क्या बोला गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009, यानी 2009 में ये इसका नाम चेंज करके मनरेगा बनाई है, नरेगा। ओके, अब इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें क्या था कि जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको क्या मिलेगा, 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, साल में 100 दिन उनको काम मिलेगा ही मिलेगा, भले उनसे गड्ढा खुदवाएं, कोई ट्यूबवेल खुदवा दे, कुछ भी काम करवा सकते हैं, रोड बनवाएं उनसे, बट ये 100 दिन उनको काम मिलना ही मिलना है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट पहली स्कीम। अब देखो पैसा मिलेगा, 100 दिन का काम जब देंगे उनको तो पैसा भी तो देंगे ना। अब ये इसलिए किया गया है, डालने को वो फ्री में भी डाल सकते हैं पैसा, है ना, बिना काम लिए, बट आपको पता है अगर कुछ काम नहीं लेंगे तो वो क्या होगा, नकारा हो जाएंगे लोग। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यूनिवर्सल बात चली थी एक बेसिक इनकम की, बट उसके जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत दिखे कि लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया, तो इफ़ेक्टिवनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंसान की।
तो इस वजह से जो है उनसे काम भी करवाया जाता है और पैसे भी दिए जाते हैं उनको, और ये काम जो है डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, जैसे कि रोड्स बनेंगी तो डेवलपमेंट ही होगी ना कंट्री की इकनॉमिक। देन सेकेंड पॉइंट की बात करें, दैट इज़ नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना 1995। देखो अब क्या है इसमें, यूजुअली जब क्या होता है इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो बहुत इनसिक्योर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता, बीमार रहता है, खर्चे बहुत होते हैं, वो खुद कुछ कमा नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसको पेंशन लगा दी कि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर है आपके पास, क्योंकि इंसान के पास अगर पैसा है तो बहुत कुछ कर सकता है, वो उससे अपनी दवाइयाँ खरीदेगा, किसी को पैसे दे के खाना बनवा सकता है, अगर वो खुद नहीं बना सकता, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है किस लिए, पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए स्कीमें। नेक्स्ट बात करते हैं अब नो हंगर, जो कि सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें बोलता है स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 48 टू 38.4% बिटवीन 2005-06 से लेके 15-16 तक। ओके, अब स्टंटिंग क्या होता है, स्टंटिंग यूजली एसोसिएट होता है किससे, जो आपने देखा हो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, माल न्यूट्रिशन, जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी हाइट तो बहुत लंबी होती है लेकिन बिल्कुल भी वेट नहीं होता उनका, बहुत पतले होंगे, या कुछ जो हैं और किसी वे में जैसे उनकी हाइट छोटी रह जाएगी। तो ये माल न्यूट्रिशन जो चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करता है माल न्यूट्रिशन ये ह्यूमन बॉडी पे, उसमें बताया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कि जो चिल्ड्रन हैं 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें ये स्टंटिंग जो है कम हुई है, 48 से 38.4% हुई है, कब, 5-6 से लेके जो अगर हम कंपेयर करें 15-16 को, ठीक है। अब इसमें स्कीम्स की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट आती है पहली मिड डे मील स्कीम, जो कि 1995 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके, अब मिड डे मील स्कीम की बात करें अगर हम, तो ऐसा नहीं है कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है या और गवर्नमेंट्स निकालती हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ को अचीव करती है। अगर मिड डे मील स्कीम है यानी कि ये रिलेटेड है कि आपको खाना देना है बच्चों को, स्कूल जो आते हैं उनको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हंगर के लिए ही है। अब देखो इनडायरेक्टली क्या होता है, जो बहुत ही गरीब परिवार हैं वो बच्चे को खाना नहीं खिला सकते तो वो स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई भी फ्री है बच्चों के लिए, ठीक है, और दूसरा खाना भी फ्री है मिड डे मील स्कीम के अंडर। अब देखो एक स्कीम से दो काम हो रहे हैं, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, एजुकेशन भी मिल रही है, जो कि आपका फोर्थ सस्टेनेबल गोल है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, और दूसरा नो हंगर भी अचीव हो रहा है उसका, यानी उसको खाना भी मिल रहा है स्कूल में। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कैसे जो है दो गोल्स इधर से अचीव हो जाते हैं। अब सेकंड जो है स्कीम उसकी बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये बहुत ही आपको पता होगा, एक फेमस इंसिडेंट हुआ था जिसमें राहुल गांधी ने क्या किया था, ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था सरकार का, है ना, तो वो इसी बिल से रिलेटेड था, ठीक है। अब थर्ड जो है इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, अभी रिसेंटली ही आया ये जो स्कीम है, इसका नाम है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि इंट्रोड्यूस हुई 26 मार्च 2020 में। आपको पता है 26 मार्च 2020 कौन सा टाइम था, कोविड पेंडेमिक का, जब स्टार्ट हुआ है जस्ट इंडिया में, ठीक है। तो हुआ क्या, अब ये कोविड के आने से सबकी नौकरियां चलेगी, और स्पेशली अगर बात करें हम गरीब लोगों की, जो लेबर हैं मज़दूर तबका है उनको अपनी नौकरियों से भी जाना पड़ा, है ना। तो हुआ क्या, अब खाएंगे कहाँ से, वो रेंट कहाँ से देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम निकाली जिसका नाम है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंडर क्या होगा, एक बंदे को 5 किलो चावल या फिर आटा, दोनों में से एक चीज़ दी जाएगी, और 1 किलो दाल दी जाएगी, ठीक है, पर मंथ। और ये पर फैमिली एक बंदे को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4 बंदे हैं तो चारों को जो है 5 किलो 5 किलो मिलेगा, 5 किलो और 1 किलो। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी योजना थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग। ओके, अब इसमें क्या बताया है कि जो
अंडर 5 यानी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका मॉर्टेलिटी रेट जो है यानी मृत्यु दर वो क्या हुआ है, गिरा है। 74% था 2005 में जो कि 50% हो गया 2015 में। ओके, अब ये कैसे हुआ, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस हुई हैं विद टाइम, है ना। तो हम लेकिन जो स्कीम्स हैं मेजरली कवर करेंगे जो करंट से रिलेटेड हैं, आज की स्कीम्स है या फिर पिछले कोई 4-5 सालों की, पुरानी भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है जैसे हमने मनरेगा पढ़ी क्योंकि वो बहुत फेमस है, आज तक चल रही है, वो है कि कब की इंट्रोड्यूस हुई है बट आज भी चल रही है, इसलिए वो भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब थर्ड SDGs के अंडर हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कीम आती है वो है आयुष्मान भारत योजना। इसके बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, है ना। अब ये इंट्रोड्यूस हुई थी 25 सितंबर 2018 में। इसके अंडर क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली ये मोर देन 10 करोड़ पुअर और वनरेबल जो फैमिलीज़ हैं, गरीब और जो शोषित फैमिलीज़ हैं उनको ये कवर करेगा। 10 करोड़ फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एक इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख रुपीज़। यानी अगर एक इंसान जो है एक फैमिली का बीमार हो जाता है तो गवर्नमेंट उसका इलाज करेगी अप टू 5 लाख रुपये वो देगी इलाज के, ठीक है। और ये क्या है, पर फैमिली पर ईयर, यानी 5 लाख देगी एक फैमिली को और एक साल में, ठीक है। नेक्स्ट साल में वो फिर से अगर बीमार होता है तो 5 लाख और मिल सकते हैं, बट एक साल में एक ही बार ही मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल है सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। अब ये क्या होता है, देखो प्राइमरी क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कोई भी कफ है, ठीक है, सिम्टम्स आए, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल दिखाने, ठीक है। तो वो आगे जाके मुझे रेफ़र करते हैं, जब वो पूरा डायग्नोस कर लेते हैं मुझे रेफ़र करते हैं स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में किसी, तो वो जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है दैट इज़ सेकेंडरी, जहाँ पे मेजर जो है ट्रीटमेंट होता है। तो यानी जहाँ ट्रीटमेंट होना है उस हॉस्पिटलाइजेशन की बात की गई है, ओके, प्राइमरी की नहीं बात की, जहाँ पे डायग्नोज होता है, जहाँ पे आप नॉर्मल चेकअप कराने जाते हो वो नहीं। देन फोर्थ सस्टेनेबल गोल जो है उसके बात करें तो वो है क्वालिटी एजुकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि पढ़े भारत बड़े भारत, ये 2014 में आई थी स्कीम। अब इस स्कीम के अंडर क्या था, प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम लुक्स टू इम्प्रूव द रीडिंग और राइटिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 1 और 2 अलॉन्ग विद मैथ्स। यानी कि ये जो पढ़े भारत बड़े भारत जो स्कीम है ये क्या करती है, ये जो है एम करती है कि इम्प्रूव कर सके हम चिल्ड्रन की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को, ओके, बच्चों की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सके। कौन से क्लास के बच्चों की, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के हैं, और मैथ इसमें इंक्लूडेड है, यानी मैथ्स को भी इम्प्रूव करें, ओके। सेकंड जो है इम्पॉर्टेंट है इसमें स्कीम, दैट इज़ सर्व शिक्षा अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2002 से लेकर 2002 के बीच में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसमें मेन एम क्या था, एम्ड एट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है बेसिक एजुकेशन वो हर एक को मिलनी चाहिए, गरीब से गरीब अमीर से अमीर, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। और इसकी एज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को, ठीक है। और ये आपको पता है एक फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अचीव जेंडर इक्वालिटी, ये हम पहले ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, क्या लड़के और लड़की के बीच में जो भेदभाव होता है दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसमें जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की बात की गई है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, सबसे पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें हरियाणा रीजन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है अभी भी, अभी तो बहुत कम हो गया बट पहले तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, उधर का सेक्स रेशो भी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब था। तो ये जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये करती है एम टू जनरेट अवेयरनेस एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इंटेंडेड फॉर गर्ल्स इन इंडिया। यानी ये क्या करती है, अवेयरनेस जनरेट करेगी उन वेलफेयर स्कीम्स के रिलेटेड लोगों के बीच में जो क्या करती है, गर्ल्स को जो है गर्ल्स की वेलफेयर की बात करती है, ठीक है। यानी वो स्कीम्स जो कि गर्ल्स की वेलफेयर कर रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको स्कूल भेजने की बात कर रही हैं,
ठीक है, या फिर उनको स्कॉलरशिप देने की बात कर रही हैं, उनको ये प्रमोट करेंगे और लोगों के बीच में पहुंचाएंगे ताकि पेरेंट्स को पता चले कि ऐसी भी स्कीम्स हैं और वो अपने बच्चियों को स्कूल भेजें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों के लिए देखा जाए गवर्नमेंट के सारे फॉर्म्स फ्री होते हैं टोटल, है ना। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम भरते हो तो आपके लिए 100 रुपये है मिनिमम फ़ीस, बट जो फीमेल्स हैं लड़कियाँ उनको फ्री होता है। तो ये एक वे है ताकि लड़कियाँ भी आगे जो हैं अपना भागीदारी दिखा सकें, उनको भी प्रमोट किया जाए, इक्वालिटी में लाया जाए लड़कों के, क्योंकि कई घरों में तो उनको जो है एग्ज़ाम्स नहीं दिए जा देने दिए जाते या फिर जॉब नहीं करने दिए जाती, है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ताकि लड़कियाँ भी आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली स्कीम क्या है, क्लीन वाटर यानी साफ पानी, पहली बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज़ स्वजल। ओके, ये स्कीम जो है ये इसका मेन एम है कि जो साफ पानी है, साफ पीने का पानी, वो हर एक हाउस होल्ड में पहुंचाया जा सके पूरे साल। ठीक है, दिल्ली में आप कई बार देखोगे न्यूज़ में क्या आता है, पानी बहुत ही गंदा होता है, काला एकदम नाली का लगता है वो पानी, पीने लायक तो होता ही नहीं है, उससे इनफैक्ट नहा भी नहीं सकता इंसान, इतना गंदा होता है। तो गवर्नमेंट इधर क्या कह रही है कि हम इंश्योर करें कि जो पीने का पानी है थ्रू आउट द ईयर लोगों को मिलता रहे, साफ़ पीने का पानी। ओके, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज़ स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसका मेन एम क्या है, मेन एम ये है कि इसको एलिमिनेट करना है ओपन डेफिकेशन को, यानी जो खुले में शौच करते हैं, यूजुअली गांव में होता है ऐसा प्रैक्टिस, खेतों में शौच किया जाता है ना, जिससे बीमारियां भी फैलती हैं, तो उसको ख़त्म करना है टोटली, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना है। ओके, दूसरा टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तीसरा इरेडिकेट क्या करनी है, मैनुअल स्केवेंजिंग, यानी जो ह्यूमन वेस्ट है उसको उठाते हैं, पुराने ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा होता था ये कि इंसान जो है ह्यूमन वेस्ट को उठा के लेके जाते थे टोकरियों में, वो ख़त्म करना है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद और जनरेट करनी है अवेयरनेस, किस लिए, क्लीनलीनेस के लिए, ताकि आप जो अपनी सराउंडिंग्स है उसको साफ़ रखें। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा है इजीली, बहुत ही ईजी वे में प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं चीज़ें। देन उसके बाद बात करें नेक्स्ट SDGs की, दैट इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है पीएम उज्ज्वला योजना 2016, जिसमें आपको पता है घर की जो औरत है उसको फ्री गैस कनेक्शन दिए गए थे। ठीक है, अब इससे भी देखा जाए ये भी इंटर रिलेटेड है, दो तीन चीज़ें अचीव होती हैं इससे। फॉर एग्जांपल अगर उसको आप गैस कनेक्शन दोगे, LPG खरीदती और पहला गैस सिलेंडर उसमें फ्री था, है ना, और ऐसे भी हमको सब्सिडीज में मिलते हैं सिलेंडर काफ़ी कम कीमत पे, तो क्या है अगर वो लकड़ी नहीं जलाएगी, एक तो उसकी हेल्थ खुद ठीक रहेगी, फेफड़े में जो है धुआं नहीं जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो है सेहत जो है सही रहेगी, और दूसरा इन्वायरमेंट भी उससे सही रहेगा, ठीक रहेगा, साफ़ रहेगा। ओके, तो जो है ये मल्टी एस्पेक्ट जो हैं स्कीम्स हैं। देन उसके बाद बात करें डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क यानी जो है अच्छा काम मिलना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम थी एक, जिसमें आपको पता है क्या है, जो कुछ लेबर्स हैं उनको, स्किल्ड लेबर्स हैं उनको और इन्हांस किया जाता है, या फिर जो स्किल्ड नहीं है उनको स्किल और बनाया जाता है, है ना, उनको कुछ स्किल दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल क्या हो गया, जैसे लकड़ी का काम है, ठीक है, कोई करना चाहता है तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोग्राम एक दो महीने का कि जो नया इसमें आना चाहता है उसको सिखाया जाए कि ये काम होता कैसे है, फिर उसके बाद ट्राई की जाए कि उसको कहीं पे एम्प्लॉय भी कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो काम मिलेगा उसको और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसकी, पैसा मिलेगा उसको और वो अपने घर को चला पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें 13th क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन के लिए आपको पता क्या था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिससे कि USA ने बाद में विड्रॉ कर लिया, जिसमें बात की गई थी कार्बन एमिशन को कम करना है सब ने। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने तो करना है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने और ज़्यादा कम करना है। ठीक है, अब इसमें जो है दो इम्पॉर्टेंट करंट पॉइंट्स आते हैं, कैसे, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन जो है रिलेटेड है आपका क्लीन एनर्जी से। क्यों, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर पेट्रोल यूज़ करते हैं या फिर कोल यूज़ करते हैं, कोयला, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट उससे हो रहा है ना हमारा इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे,
ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो भी हम जलाते हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि, या फिर वर्ल्ड क्या बोल रहा है इस टाइम, हमको इसका ऑल्टरनेटिव लाना है कोई, ताकि हम जो है कार्बन एमिशंस को कम कर सकें। और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, दो ही इम्पॉर्टेंट, एक लिथियम आयन बैटरी और दूसरा सोलर एनर्जी, यही दो हैं। अब क्या है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन इज़ जो बदला सोलर पार्क है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सोलर पार्क यानी कि जो आपने देखा होगा सनरूफ पे क्या सोलर पैनल लगाए होते हैं, है ना, फोटोवोल्टिक बोलते हैं जिसको। तो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा पार्क है सोलर पार्क, वो है बदला सोलर पार्क। ये है राजस्थान में आपका, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये बड़ा कैसे है, कैपेसिटी से 2250 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ओके, उसके बाद जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है वो भी इंडिया में ही है। यह है आपका कहाँ पे, यह है शक्ति स्थल सोलर जो पावर प्रोजेक्ट है इसका नाम, और इसकी कैपेसिटी है 2050 मेगावाट। और यह है आपका पावागढ़ कर्नाटका में, और तालुक की बात कीजिए दैट इज़ तुमक कुरु। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारे जो है हमने ऊपर ऊपर से सारे की सारी जो है कवर कर ली हैं, जो जो मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, अब बात करें कुछ जो है, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करें, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की, तो उसमें कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है अभी इंडिया ने। जिसमें ज़्यादा अचीव किया है उन्हीं की बात की है हमने, ठीक है। और ये जो दो इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट्स, ये आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली आपसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे है और कौन सा है, नाम क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया के जो हैं, ठीक है, जो कि नीति आयोग ने बनाए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, नीति आयोग जो है रिलीज़ करती है इंडेक्स को, ठीक है। नीति आयोग रिलीजेज SDGs इंडिया इंडेक्स। एक तो आ गया ना आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आ गए वर्ल्ड में जो सबको अचीव करने हैं बाय 2030। एक इंडिया लेवल पे भी बनाया, उसका नाम क्या है, SDGs इंडिया इंडेक्स, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्या है, ये रिलीज़ कौन करता है ये इंडेक्स, सबसे इम्पोर्टेंट ये करता है नीति आयोग। नीति आयोग, नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग हैज़ कंस्ट्रक्टेड द SDG इंडिया इंडेक्स स्पैनिंग अक्रॉस 16 आउट ऑफ 17 SDGs, लिविंग 17th, एंड प्रोग्रेस इन इज कैलकुलेटेड ऑन अ सेट ऑफ 100 नेशनल इंडिकेटर्स। इसमें बोला गया है कि नीति आयोग ने कंस्ट्रक्ट किया है SDGs इंडिया इंडेक्स, जिसमें कि उसने 16 जो है SDGs लिए हैं आउट ऑफ 17, और 17th को छोड़ दिया क्योंकि वो क्या है, एक ग्लोबल पार्टिसिपेशन या पार्टनरशिप। ओके, तो वो तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि हम विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहले 16 हैं वो सारे के सारे लिए गए हैं SDGs, और उन्हीं से ये इंडेक्स बनाया है। और इसको प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने के लिए नीति आयोग ने 100 जो है नेशनल इंडिकेटर्स रखे हैं, उनके बेसिस पे ये चेक करें कि ये 16 जो हमने गोल्स दिए हैं अचीव हुए हैं कि नहीं। उसके बाद क्या है, ये लाया क्यों गया है सस्टेनेबल इंडिया जो है डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ताकि जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन जनरेट किया जा सके टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी जो स्टेट्स हैं हमारी, डिफरेंट, केरला हो गई, हिमाचल हो गई, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूटी हो गई, चंडीगढ़ यूटी हो गई, देन आंध्र प्रदेश हो गई, इन सब के बीच में सारी की सारी जो भी स्टेट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हम क्रिएट कर सके, ताकि जल्दी से जल्दी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, क्यों, आपको पता है अगर आप अकेले लगे हो तो आपका उतना मन नहीं करेगा कोई काम करने का, ठीक है। अगर आपके साथ में एक इंसान लगा हुआ है, आप उसके साथ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, आप कंपेयर करोगे खुद को उसके साथ कि हमने कैसा अचीव किया है ना, तो उससे क्या होगा, अचीवमेंट जल्दी आप अचीव करोगे चीज़ें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू प्रमोट पॉजिटिव कंपटीशन अमंग द स्टेट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड अचीवमेंट ऑफ 2030 SDGs गोल्स। बोल रहा है कि ये जो है इंडेक्स इसलिए निकाला गया ताकि एक पॉजिटिव कंपटीशन हो स्टेट्स के बीच में, किस लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए SDGs की, और अचीव करने के लिए SDGs को, जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हम रेटिंग्स की। ये आपसे बहुत जो है फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि इस बार जो नीति आयोग ने अपना इंडेक्स निकाला है SDGs इंडिया इंडेक्स, उसमें टॉप किसने किया है, सेकंड कौन आया, लास्ट कौन था, यूटीज में किसने टॉप किया, तो वो देखते हैं हम। केरला जो है फर्स्ट रहा है इस बारी, लास्ट जो है 2019 का इंडेक्स है, ठीक है, अभी 20 का आया नहीं है, 1920 का है, तो 2021 का आना है अभी। तो 1819 का जो था उसमें भी केरला ने ही टॉप किया था, और 1920 में भी केरला ने ही टॉप किया है, ओके सॉरी, और सेकंड स्पॉट मिला है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें पॉइंट की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कौन है, तो केरला फर्स्ट है और सेकंड है हिमाचल प्रदेश, और 1819 के इंडेक्स में भी हिमाचल ही सेकंड था, और 1920 में भी हिमाचल ही सेकंड है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें, बिहार जो है वो बॉटम मोस्ट पे आया है, यानी सबसे नीचे आया है, ठीक है, और चंडीगढ़ यूटी की बात करें तो इसने फिर से जो है टॉप स्पॉट रिटेन किया है, यानी फर्स्ट आया है यूटीज़ में इस बारी भी, लास्ट टाइम भी यही था, और लद्दाख जो है वो सबसे नीचे आया है इस बारी, ठीक है। देन जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें तो इसने, इसमें इसलिए हम बात कर रहे हैं J&K की क्योंकि इसने टॉप किया है दो गोल्स में, जैसे कि पहला गोल यानी नो पॉवर्टी का, और फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें भी इसने टॉप किया है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में या फिर इंडेक्स में J&K ने टॉप किया है, तो Goal 1 and Goal 5, ओके, इसमें J&K यूटी ने टॉप किया है, और इसके स्कोर्स क्या रहे, 58 गोल 1 में और 53 गोल 5 में, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्या है कि स्टेट्स के बीच में जो है एक डिस्पैरिटी ना आए, उस वजह से इसमें टॉप या बॉटम ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। इसमें जो टॉप करती हैं स्टेट्स उनको फ्रंट रनर बोला गया है, और जो नीचे आती हैं उनको परफॉर्मर बोला गया, ओके, ये एक जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी दी गई है। आई होप आपको ये सारे के सारी जो हमने समझी हैं चीज़ें ईजिली समझ आई हो और ईजी लगा हो। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ओके। तो थैंक यू सो मच।